वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ दिस चैनल, जो आप लोगों का ज्यादा और मेरा कम है, जिसका नाम है मेड फॉर एसएससी। तो अभी तक जो मेरे वीडियोस देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, भाई लोग सब्सक्राइब कर दो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट मैं यहाँ पे शेयर करते रहा हूँ। ओवर 105 वीडियोस हो गया है इस चैनल में, सब्सक्राइब कर देना। मेड फॉर एसएससी का जो फेसबुक इंस्टा टेली लिंक है नीचे जा रहा है, वहाँ पे जाकर जरूर फॉलो करना, अपना क्वेरीज पूछना। मैं कम्युनिटी पोस्ट किया था जहाँ पे मैं बताया था कौन सी चीज़ के बारे में आप वीडियो देखना पसंद करोगे, चाहते हो। CHSL 2020, CGL 19 में ऑप्शन दिया था, दोनों ऑप्शन में CHSL 2020 बहुत वोट्स मिला है। तो आज हम लोग बात करेंगे, CHSL 2020 का कट ऑफ भी डिक्लेयर हो गया है, रिजल्ट आ गया है, अब स्किल टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट का डेट भी आ गया, उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। लेकिन पहले वीडियो के पहले मैं उसके भी पहले मैं जो बात बताना चाहता हूँ कि CGL 19 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है। तो जो लोग CGL 19 दिए हुए हो और जो इंस्पेक्टर इन एग्जामिनर और GST मिला हुआ है, उन लोगों के लिए ये अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दो अपडेट मैं देने वाला हूँ इन क्रोनोलॉजिकल मैनर। बट सबसे पहले जो मैं बात बताने वाला हूँ कि तुम लोगों में से बहुत लोगों को ये क्वेरी आ रहा है कि ये मार्क्स है क्या मुझे मिलेगा CGL 2020 वाले, ये मार्क्स है क्या मुझे मिलेगा, ये मिलेगा वो मिलेगा। तो मैंने क्या सोचा है, मैं एक ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, उस ब्लॉग के अंदर मैं एक पूरा डिटेल एनालिसिस करूंगा डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स एंड ऑल, और मैं मार्क्स रेंज भी दूंगा कि कौन सी मार्क्स रेंज में कौन सी कैटेगरी में कौन सी पोस्ट मिलने वाला है तुम लोगों के लिए और मिलने का सबसे हाई चांसेस है। तो अगर ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए पढ़ने के लिए तुम लोग एक्साइटेड हो, नीचे जाके जरूर कमेंट करो। अगर थोड़ा सा भी कमेंट कर दोगे हाई आई वॉन्ट टू रीड द ब्लॉग, हाई सर मुझे भी वो ब्लॉग पढ़ना है, मैं बहुत एंग्शियस हूँ अपना मार्क्स को लेके, क्योंकि मैं सबका कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट्स एंड ऑल। तो अब पहली पार्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो है CGL 2019 का बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो आया हुआ है वो है कि SSC के साइट में एक अपडेट आया हुआ है कि CGST और एग्जामिनर के लिए, जैसे आप लोग स्क्रीन में भी देख सकते हो, CGST और एग्जामिनर के लिए ऑनलाइन प्रेफरेंस दे रहा आप लोग। ऑनलाइन प्रेफरेंस देने के बाद ये जो लिंक्स विंक्स है वहाँ पे जाके आप लोग सब कुछ कर पाओगे। इसके साथ भी सबसे बढ़िया बात जो है, यहाँ पे वैकेंसीज का डिटेल में शेयर किए कर दिया है वो लोगों ने। मेरे टाइम में मैंने कभी नहीं देखा था इतना एक्टिव प्रोएक्टिव वर्क, बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बात कि एकदम डिटेल में जनरल EWSUR सबका जो वैकेंसीज लिस्ट है डिफरेंशिएट करके पूरा स्टेट वाइज रीजन वाइज सब कुछ कर दिया है। तो जरूर वो चेक करना और जरूर आपके मार्क्स के बेसिस पे ही एलोकेशन फॉर्म भरना। पूरा मॉड्यूल दिया हुआ है साइट पे ही कि कैसे आप भरोगे मॉड्यूल, तो वो जरूर पढ़ के फिर पढ़ना, मॉड्यूल फिर पूरा पढ़ लेना, पढ़ने के बाद स्टेट प्रेफरेंसेस भरना, वरना मुश्किल आ सकता है क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर है, थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो बहुत ही मुश्किल आ सकता है। ये बात ध्यान रख के बहुत ही सीरियसनेस से स्टेट प्रेफरेंस भरना, ठीक है। बहुत ही कमाल का काम किया है ये CBIC जो बोर्ड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, बहुत ही कमाल का, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मुझे ये भी लगता है कि इस प्रोसेस के लिए बहुत फास्ट हो जाएगा, इंटायर प्रोसेस ज्वाइनिंग तक सब कुछ बहुत फास्ट हो जाएगा, मेरा ये मानना है, क्योंकि अगर सब कुछ ऑनलाइन होता रहता है तो बहुत ही अच्छा है। तो ये हो गया CGL 19। अब बढ़ते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके लिए तुम लोग बेताबी से इंतजार कर रहे हो, CHSL 2020। 13 मई 2022 CHSL 2020 का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, स्किल टेस्ट का डेट भी आ गया है। स्किल टेस्ट का डेट बोला है 1 जुलाई 01072022। बट एक बार रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। EWS के लिए कट ऑफ जैसे तुम लोग देखे हो, फिर भी मैं ये साइड में शेयर कर देता हूं, EWS के लिए 181 गया है, SC के लिए 178.1, STs के लिए, एक्चुअली EWS के लिए 181.9 मतलब करीबन 182, STs के लिए 174 और UR के लिए बीच में एक सर्विसमैन है 128, OH है 165, HH है 121 और OBC है 199.6 ऑलमोस्ट 200 और UR है 209। ये कट ऑफ है किसके लिए, LDC JSA और PASA ये पोस्ट के लिए जाएगा। और DEO जो CAG में लेता है, किसी और डिपार्टमेंट्स में डेटा एंट्री ऑपरेटर जो लेता है 2400 ग्रेड पे का पोस्ट, उसमें कितना कट ऑफ गया, EWS के लिए 243, SCs के लिए 225, STs के लिए 216, ESM के लिए 190 और OBC के लिए 252, UR के लिए 260.5, बहुत ही हाई कट ऑफ गया है। इसके बाद स्किल टेस्ट में जो पास करोगे उसके बाद डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स ऐड होके फिर आएगा फाइनल रिजल्ट। एक्चुअली डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स ऐड वेड होके ही सब कुछ आ गया है, मैंने थोड़ा सा गलत बोला है, अब जाके कमेंट में
गलत वलत बात मत बोलना, बट हाँ मेरे दिमाग में दिमाग से चला गया था कि वो किसी जल पिंड पिंडी का बात में कर रहा था, जो भी हो। तो डिस्क्रिप्टिव के ऐड करने के बाद, सब कुछ बर्न करने के बाद, 264 UR इज द DEO कट ऑफ और 209 UR इज द PA से कट ऑफ। अब इसके बाद फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है, मैं धीरे धीरे एक सीरीज वीडियो लाऊंगा, बट इनिशियली इस वीडियो में मैं ये बात बता देना चाहता हूं, स्किल टेस्ट में सिर्फ क्वालिफाई करने से ही मिलता है, बट एटलीस्ट आपका कट ऑफ से, जो आपका कैटेगरी का कट ऑफ है उससे आप 30-40 मार्क्स ज्यादा ना हो तो PA से मिलने का चांसेस बहुत ही कम हो जाता है। और आप लोगों को जैसे पता ही होगा, जो CHSL दिए हुए हो या देने वाले हो या देख के बैठे हो CHSL 2020, उसको पता ही चलेगा कि PA से ऐसा पोस्ट है जिसका लीस्ट कट ऑफ जाता है और हाईएस्ट वैकेंसीज रहता है हर एक कैटेगरी में, हर एक स्टेट में। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए कि जो भी पोस्ट आपको मिले ना मिले, LDC, MEA, MEA, पासपोर्ट ऑफिस, ये सब मिले ना मिले वो दूसरी बात है, लेकिन PA से अगर मिलना चाहिए ही तुम लोगों को, PA से अगर नहीं मिलता है तो कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगा। और PA से का कट ऑफ सबसे लो जाता है, और सबसे लो का मतलब जो टायर 2 का कट ऑफ रहता है, जो स्किल टेस्ट का कट ऑफ रहता है, उससे एटलीस्ट 30-40 मार्क्स ज्यादा ही होता है PA से का कट ऑफ। तो ये बात बहुत ही ध्यान रखना। ध्यान रखने के बाद मैं धीरे धीरे कट ऑफ वीडियोज लाऊंगा, एस्टिमेटेड कट ऑफ। अगर तुम लोगों को कट ऑफ वीडियोज चाहिए तो नीचे जाके कॉमेंट में लिख देना, हाई सर वॉन्ट आई डिटेल्ड वीडियो ऑन द फाइनल कट ऑफ, ऐसा करके मेरे मुझे एक फाइनल कट ऑफ का डिटेल वीडियो बताइए, ऐसा करके बताना, मैं एक सीरीज करूंगा। अगर CHSL के रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है, मैंने एक सीरीज कर किया हूं, मैं आई बटन में शेयर कर देता हूं, आई बटन में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सीरीज है CHSL के बारे में, वो जरूर देखना। और अगर कोई भी क्वेरीज है नीचे जाके मुझे मैसेज करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि धीरे धीरे बहुत ही पॉइंट्स आने वाला है। अभी मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देख के कि CHSL का इतना फास्ट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इतना फास्ट काम कर रहा है, CGL का भी काम हो रहा है, CGL 19 का भी काम हो रहा है, 20 का भी काम हो रहा है, CHSL 2020 का भी काम हो रहा है, बहुत फास्ट काम कर रहा है। तो आई एम अस्टाउंडेड बाय दिस प्रोग्रेस। तो मुझे लगता है जल्द से जल्द हो जाएगा स्किल टेस्ट देके, और 1 जुलाई है स्किल टेस्ट, 2 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, अगस्त सितंबर तक फाइनल रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब देखते हैं कैसा चलता है, कोविड वोविड का पीक वीक जो जैसे बढ़ रहा है वो, अगर पीक आए नहीं आए जो भी है, तो अभी तक बहुत फास्ट है, बहुत स्मूथ है, मक्खन मक्खन जैसा प्रोसेस हो रहा है। और ज़्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं है तुम लोगों में से, अगर किसी का कोई भी डाउट है किसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो नीचे जाके कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं मुझे पता नहीं चलता है कि तुम लोग इस चैनल से वैल्यू मिल रहा है कि नहीं। वीडियो को लाइक करना, और भी मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को इस वीडियो से कुछ हेल्प हो रहा है कि नहीं। और मेड फॉर SSC का फेसबुक इंस्टा टेली लिंक में ज़रूर जाके फॉलो करना, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, अगर कोई बंगाली हो इसमें से तो गाने का लिंक है, सुन सकते हो। आई विल गो फॉर वीडियो शूटिंग राइट नाउ, थोड़ी देर बाद मैं वीडियो शूटिंग के लिए जा रहा हूँ नेक्स्ट गाने का, दैट विल बी अ सरप्राइज। तो अगर तुम लोग सुनना चाहते हो स्टे ट्यून टू माय म्यूजिक चैनल, आई बटन में लिंक है। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। CGL 2019 का जॉब प्रोफाइल आई बटन में है, CHSL का सारे का जॉब प्रोफाइल आई बटन में है। इन शॉर्ट मेरे वीडियोस में, मेरे जो मेड फॉर SSC जो लिखा हुआ है नीचे उसके बैनर में सब्सक्राइब है, वहां पर क्लिक कर दो, हो गया क्लिक। अब मेरा जो आइकन है मेड फॉर SSC का, वहां पे जाके क्लिक करके मेरा पूरा लाइब्रेरी आ जाएगा, वहां पे प्लेलिस्ट वाइज देख लो वीडियो, जो अभी तुम लोगों को जिसका क्वेरी है, जिसका CGL का क्वेरी है CGL देखो, जिसका CHSL है CHSL देखो ऑब्वियसली। और मेरे ब्लॉग के बारे में क्या रहा है तुम लोग नीचे बताओ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं अगर आप लोगों का क्वेरीज लेके एक ब्लॉग में वो पूरा डिटेल्ड आर्टिकल लिखूंगा तो आप लोगों के लिए भी आसान होगा, और मेरा भी जो चैनल है, हम लोगों का ये जो चैनल है उसका भी ब्रांडिंग धीरे धीरे बढ़ेगा। तो नीचे जाकर कमेंट करना कैसा लग रहा है, वीडियो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइज, एंडल एंड टाटा गुड बाय, ऑल द बेस्ट। 1 जुलाई तक बहुत वीडियोस आएगा, अभी तो जून ही आया है, प्रिपेयर करो स्किल टेस्ट के लिए फटाफट स्किल टेस्ट के लिए, डिप्रेशन के लिए प्रिपेयर करो कि अगर एरर काम हो रहा है। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, एंडल देन टाटा गुड बाय, ऑल द बेस्ट। एक डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ला रहा हूँ कट ऑफ के बारे में, स्टे ट्यून्ड, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।